स्पोर्ट हिंदी और मैं आपका दोस्त जतिंदर। दोस्तों मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम अपना डाटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर। बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि जो डाटा आपकी मेल के ऊपर आप जब जब भी कहीं नया मोबाइल लेते हैं तो आप अपनी मेल को जीमेल की मेल को उसके साथ अटैच करते हैं कि सारा का सारा जो डाटा होता है आपका नंबर आपका जो भी डाटा है फोटो पिक्चर में जो भी आप फोन के अंदर डाल के रखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल की आईडी के ऊपर आपके डॉक के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो उस डाटे को आप किस तरह इम्पोर्ट कर सकते हैं एक सिर्फ जीमेल की आईडी के थ्रू ही कर सकते हैं। अगर आप न्यू मोबाइल ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि अपने डाटे को इम्पोर्ट करना है अपने मेल से अपने मोबाइल के ऊपर। इसके दो तरीके होते हैं इम्पोर्ट करने के। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जाएं वहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट खोलें और वहाँ से इंपोर्ट करें। दूसरा तरीका ये होता है जो मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। दूसरे तरीके के ऊपर चलते हैं तो दूसरे तरीके के ऊपर बात करते हैं हम। दूसरा तरीका ये है जैसे कि आपकी ये जीमेल की ईमेल आईडी है तो यहाँ पे मैं गया मेरे कॉन्टैक्ट मैंने इंपोर्ट करने हैं अपने मोबाइल के ऊपर। मैंने कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके टोटल कॉन्टैक्ट बताए गए हैं कितने हैं। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रिंट काफ़ी सारी ऑप्शन है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसे गूगल ड्राइव पे ले जाइए या कुछ आउटपुट की शीट पे ले जाइए या फिर कुछ आप फोल्ड करना चाहते हो वो कर लीजिए। आप चाहें तो इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कौन कौन से नंबर आपको चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ों से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इम्पोर्ट की जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इम्पोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर आप इस सेलेक्ट फाइल पे जाके जो भी आपका डिवाइस है उसे यहाँ पे आप ले आके यहाँ पे लाके वहाँ से उसे डाटे को ओपन करके इंपोर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे आप फोल्डर बना के रखिए उसके ऊपर जाके इंपोर्ट कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे इंपोर्ट कर चुका हूँ तो मैं इसे इंपोर्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही बड़े अच्छे तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं उस डाटे को। अगर आप ये भी नहीं चाहते कि मैं इस तरह नहीं करना चाहता तो आप यहाँ पे क्रिएट पे जाइए क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट अ मल्टीपल कॉन्टैक्ट। अगर आप क्रिएट अ न्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक नई शीट बनाइए उससे इंपोर्ट करना चाहते हैं इन कॉन्टैक्ट में से कुछ नंबर को वहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके जो नंबर बाकी रह जाएंगे वो यहीं पे सेव रहेंगे। ये नहीं होगा कि ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे या इन पे कुछ होगा। तो ये नंबर एक तरह के सेव हो रहेंगे आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर। जो भी डाटा आप सेव करते हैं वो सीधा ही आपके जीमेल अकाउंट पे आता है और वहाँ पे आके सेव हो जाता है। तो फ्रेंड ये है इंपोर्ट करने का तरीका। हाई आपके कॉन्टैक्ट हो या आपकी पिक्चर हो आपकी वीडियो हो आप इसका भी इंपोर्ट कर सकते हैं बड़े इजी और बड़े आसान तरीके से। वीडियो किस तरह लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपकी कोई इंक्वायरी या क्वेश्चन है हमें से तो हमारा फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए हमें मैसेज डालिए हम आप मैसेज का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।